सो गाइस मेरे हाथ में है ये आईफोन की तरफ से अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ आईफोन 14 प्रो मैक्स गोल्ड कलर 256 GB, जो कि अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है। आज मैं स्पेशली इस आईफोन के 14 प्रो मैक्स 256 GB गोल्ड कलर का एक बैटरी ड्रेन टेस्ट का टॉपिक यहाँ पे कवर करूंगा, और जिसमें मैं इस आईफोन 14 प्रो मैक्स में जो फ्री फायर का जो गेम है वो प्ले करने वाला हूँ। तो ये जो स्मार्टफोन है गाइस आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ में आईफोन 14 के और भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए, जैसे कि आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्लस एक्सेट्रा। तो उन तीनों के कंपेयर में जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है गाइस, जो 6.7 इंच का डिस्प्ले है, इस स्मार्टफोन की बैटरी आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर 14 सीरीज। बिकॉज यहाँ पर मैं लास्ट लास्ट ऑलमोस्ट गाइस मैं 1 महीने से स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है खास करके गेमिंग को लेकर, वो मेरा काफ़ी सारा बेटर तरीके का एक्सपीरियंस है। तो इसी को मैं लाइव तरीके से टेस्ट आउट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए इसमें फ्री फायर गेम को प्ले करूँगा, और चेक करते हैं कि अगर आप इस आईफोन 14 प्रो मैक्स में फ्री फायर गेम को अगर आप प्ले करते हैं तो एक्जैक्टली ये जो स्मार्टफोन है आपको कितने घंटे तक का बैटरी बैकअप यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर गाइस मैं दो दो गेम है, पहला है यहाँ पर फ्री फायर और दूसरा है यहाँ पर फ्री फायर मैक्स। तो सबसे पहले मैं फ्री फायर को लेकर टॉपिक कवर करूंगा, उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है फ्री फायर मैक्स को लेकर होगा, जिससे कि दोनों को लेकर आपका जो डाउट है वो इजीली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं फ्री फायर मैक्स को लेकर क्लियर करूंगा। तो अभी यहाँ पर सिर्फ फ्री फायर गेम को प्ले करते हैं। सो बस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट वीडियोस वहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल है मेरा गाइस, उसका जो लिंक है वीडियो के डाउन साइड में है, वहाँ पर जाकर मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट सब्सक्राइब माई सेकंड यूट्यूब चैनल, उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है। सो अभी यहाँ पर गाइस ये जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है, इसकी जो बैटरी है अभी पूरी की पूरी 100% चार्ज है। तो यहाँ पर अगर आप चेक कर सकते हो पूरी की पूरी इसकी बैटरी 100% चार्ज है। तो जो गेम को मैं इसमें प्ले करने वाला हूँ प्योरली 100% कैपेसिटी के हिसाब से मैं इस आईफोन 14 प्रो मैक्स में गेम को प्ले करूंगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं इस आईफोन 14 प्रो मैक्स में किसी फ्री फायर गेम को प्ले कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट जानने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले फ्री फायर गेम को स्टार्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद गाइस यहाँ पर एक और चीज़ मैटर करता है कि आप जो फ्री फायर गेम अगर आप प्ले करते हो इस आईफोन 14 प्रो मैक्स में या कोई भी स्मार्टफोन्स में, तो जो बैटरी होता है बैटरी का ड्रेन होना डिपेंड करता है कि आप गेम को कितने ब्राइटनेस लेवल पर आप प्ले करते हो और एक्जैक्टली कौन से ग्राफिक सेटिंग्स पर आप प्ले करते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ब्राइटनेस लेवल होगा इस आईफोन 40 प्रो मैक्स का, वो नियरली मैं 60-70 यानी कि नियरली 60% का एवरेज ब्राइटनेस मैं इस आईफोन 40 प्रो मैक्स में रखूंगा फ्री फायर गेम को प्ले करने के लिए। और यहाँ पर अभी मैं इसके ग्राफिक सेटिंग्स में जाता हूँ, तो ये फ्री फायर गेम है, फ्री फायर मैक्स नहीं है। तो फ्री फायर में आपको यहाँ पर जो ग्राफिक सेटिंग्स है वो आपको मैक्स के कंपेयर में कम मिलती है। तो यहाँ पर जो ग्राफिक होगा वो होगा अल्ट्रा लेवल का ग्राफिक। तो यहाँ पर जो ग्राफिक अभी सपोर्ट कर रहा है अल्ट्रा ग्राफिक यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो अल्ट्रा ग्राफिक पे मैं गेम को प्ले करूंगा। रेजुलेशन होगा हाई, शैडो ऑन होगा, और जो FPS है यानी कि फ्रेम पर सेकंड वो होगा हाई। तो जो भी सेटिंग मैंने यहाँ पे अप्लाई किया ग्राफिक का, वो अल्ट्रा लेवल पे मैंने ग्राफिक सेटिंग्स अप्लाई किया है और पूरा हाई लेवल पे। तो इसी ग्राफिक सेटिंग्स में मैं पूरा का पूरा जो फ्री फायर गेम है इस आईफोन 40 प्रो मैक्स में प्ले करने वाला हूँ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं इस आईफोन 40 प्रो मैक्स में गेम को प्ले कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है रिजल्ट जानने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे तो मैं इस आईफोन 40 प्रो मैक्स में काफ़ी टाइम से गेम प्ले कर रहा हूँ, लेकिन एक्जैक्टली बेसिस पर जो 0% बैटरी है यानी कि 0% बैटरी को ड्रेन करना, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। सो गाइस यहाँ पर जो एक्टिविटी है उसे ट्रैक करने के लिए साथ में मैं यहाँ पे टाइमर भी सेट करूंगा, जिससे कि आप एक्टिविटी को इजीली तरीके से ट्रैक कर पाओ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं आईफोन 40 प्रो मैक्स में फ्री फायर का बैटरी ड्रेन टेस्ट 100-0%। तो यहाँ पर गाइस एक और चीज़ है कि जो ये आईफोन 40 प्रो मैक्स है काफ़ी ज़्यादा हैवी सा स्मार्टफोन है, थोड़ा सा जब भी आप इसमें गेम को प्ले करोगे या हाथ में जब भी आप इसको कैरी करोगे तो ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा हैवी जैसा फील करेगा, और ये मैंने बहुत डीपली नोटिस किया। बिकॉज आईफोन 12 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स के कंपेयर में आईफोन 40 प्रो मैक्स का जो एक तरीके से वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाइयर है। तो ऐसे में आपको वन हैंड से कैरी करने में थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, बट फिर भी नॉट बैड। तो यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल को मैं बढ़ा देता हूँ, ऑलमोस्ट मैं 60% ब्राइटनेस कर रहा हूँ, और अभी यहाँ पर डायरेक्टली गेम को प्ले करना स्टार्ट करते हैं।
सुना होगा सफर पे टोटली 6 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और पिछले 6 घंटे से इस आईफोन के 14 प्रो मैक्स वाले स्मार्टफोन्स में जो गेम है फ्री फायर का, वो इसमें प्ले है। तो जो गेम है गाइस, टू बी हॉनेस्ट, मुझे यहाँ पे गेम खेलने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है स्मार्टफोन्स का, ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथली और बेटर तरीके से इसमें रन कर रहा है। और जो एक्सपीरियंस है मेरा इस आईफोन 14 प्रो मैक्स में फ्री फायर का, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मुझे टू बी हॉनेस्ट, वैसे मैं कोई गेमर नहीं हूँ, लेकिन मुझे गेम खेलना इसमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, बिकॉज जो परफॉर्मेंस इसमें मिल रहा है इट्स क्वाइट अमेजिंग। तो अभी यहाँ पर गाइस टोटली 6 घंटे पूरे हो चुके हैं, और 6 घंटे में यहाँ पर अभी इस आईफोन 14 प्रो मैक्स का जो करंट बैटरी स्टेटस अगर आप यहाँ पर देखो, तो ये है इसका 47%, 47% करंट इसका बैटरी स्टेटस है। अब यहाँ पर आप नोटिस करते हो बैटरी बैकअप यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, ये मैं स्टार्टिंग में मैंने कहा था, बिकॉज ये फ्री फायर जो गेम है इस आईफोन 14 प्रो मैक्स में, ये मैं फर्स्ट टाइम प्ले नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैं लास्ट 1-2 हफ्ते से फ्री फायर गेम इसमें प्ले कर रहा हूँ, और जो बैटरी बैकअप है गाइस आईफोन 14 प्रो मैक्स का, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्लस, इन तीनों के कंपेयर में आपको प्रो मैक्स में बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा बेटर मिलेगा, और ऑप्टिमाइजेशन, गेमिंग का परफॉर्मेंस, इट्स नेक्स्ट लेवल। ये मेरे एक्सपीरियंस बेसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे वॉइस से भी आपको समझ में आएगा, बिकॉज एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव लेवल का है। तो 6 घंटे में 47% है कि 53% इसने बैटरी को ड्रेन किया, इट्स नॉट बैड एट ऑल यार। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल स्मार्टफोन्स को देखो, तो वो 6, 6.5 घंटे, 7 घंटे में ड्रेन हो जाता है एंड्रॉइड के 5000 mAh वाले बैटरीज, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है। बट अभी भी फाइनल नहीं है, अभी भी इसमें 47% बैटरी बाकी है, तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं कि ये लास्ट का 47% ड्रेन करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करेगा। तो इसलिए मैं फ्री फायर गेम को फिर से इसमें कंटिन्यू रखता हूँ। सो नाउ गाइस, यहाँ पर अभी टोटली 9 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और गाइस पिछले 9 घंटे से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस आईफोन के 14 प्रो मैक्स में जो फ्री फायर का जो गेम है वो प्ले है। जनरली जो मैंने स्टार्टिंग किया था, पूरा का पूरा 100% से यहाँ पे स्टार्ट किया था, और अभी यहाँ पे टोटली 9 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से गए जो हमारा ये आईफोन का जो 14 प्रो मैक्स वाला जो स्मार्टफोन है गाइस, इसकी जो बैटरी है अभी ओनली एंड ओनली लास्ट का 1% यहाँ पर बाकी है। यू कैन सी राइट हियर, सिर्फ ओनली लास्ट का 1% यहाँ पे बाकी है। इसने टोटली जो यहाँ पे बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया है, 9 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पर मेरे पॉइंट, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, क्या ये 9 घंटा एक्चुअल दिया है? वेल टू बी ऑनेस्ट गाइस, यहाँ पर मैं इस आईफोन 14 प्रो मैक्स को लास्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, और स्पेशली मैं गेम का इसमें काफ़ी ज़्यादा, मैं गेम टेस्टिंग मैंने काफ़ी ज़्यादा किया है, और नॉर्मली बेसिस पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं यही कहूँगा कि जो बैटरी बैकअप भी देता है आईफोन 14 प्रो मैक्स गेमिंग में, इट्स कम्प्लीटली अमेजिंग। या नॉर्मली केसेस में जो एंड्रॉइड फोन्स होते हैं 5000 mAh वाले, 6000 mAh वाले बैटरीज वाले स्मार्टफोन्स, वो भी इतना बैटरी बैकअप नहीं देते हैं गेमिंग के मामले में, लेकिन इस आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको एक्चुअल में इतना 9 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, अगर जो सेटिंग्स मैंने यहाँ पे किया, अगर आप उस सेटिंग्स पर प्ले करते हो। तो यहाँ पर जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है गाइस, इसमें जो गेम को मैं प्ले कर रहा था, वो मैं अल्ट्रा ग्राफिक पर गेम को प्ले कर रहा था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को। तो मैं फिर से जाता हूँ इसके सेटिंग्स में, और यहाँ पर देखो तो अल्ट्रा अल्ट्रा इसमें मैक्स ग्राफिक सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज ये फ्री फायर है, तो इसमें अल्ट्रा ग्राफिक सपोर्ट करता है। और यहाँ पर जो ब्राइटनेस मैंने यहाँ पे सेट किया था गाइस, 60% एवरेज ब्राइटनेस पर मैं गेम को प्ले कर रहा था, तो उस सेटिंग पर अगर आप गेम को प्ले करते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको 8.5 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप इजिली मिल सकता है इस आईफोन 14 प्रो मैक्स गेमिंग में। अब दूसरी बात है परफॉर्मेंस और स्मूथनेस का। पहली बात तो गाइस, इसमें बिल्कुल भी 1% का भी आपको लैग का इशू देखने को नहीं मिलेगा, जब तक आपका स्मार्टफोन नया है। और अभी तक फिलहाल मैंने इसके अंदर कोई ज़्यादा स्टोर नहीं किया है, कुछ भी ऑडियो नहीं है, कुछ भी वीडियो नहीं है, कोई ज्यादा गेमिंग एप्लीकेशन है, सिर्फ एक फ्री फायर का गेम मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। तो उस क्वांटिफिकेशन के हिसाब से मुझे अभी तक इसमें कोई भी लैग देखने को नहीं मिला, परफॉर्मेंस इसमें नेक्स्ट लेवल था, इतना स्मूथली इसमें गेम को रन कर रहा था, तो मैं खुश शॉक हो गया। बहुत बेटर तरीके से आईफोन 14 प्रो मैक्स में आपको इंप्रूवमेंट मिलता है परफॉर्मेंस का, एज कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो मैक्स एंड 13 प्रो मैक्स के कंपेयर में आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट मिलेगा परफॉर्मेंस के मामले में। बट ओवरऑल ये था गाइस इस आईफोन 14 प्रो मैक्स में एक फ्री फायर का बैटरी टेस्ट, जिसमें इसने 100 to 0% बैटरी को ड्रेन करने के लिए टोटली 9 घंटे का टाइम यहाँ पे कंज्यूम किया है। सो दैट्स इट्स ऑल अबाउट। टॉपिक एंड करने से पहले गाइस पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट वीडियोस वहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो सेकंड चैनल है मेरा गाइस, उसका लिंक वीडियो के नाउ साइड में, वहाँ पे जाकर मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।